नाज़रीन आप देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अय्याज मोरिस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और फिर माशरे को पे बैक करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर आपको ऐसी ही शख्सियत से मुतारिफ करवा रहे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबर और सीनियर ब्यूरोक्रेट जनाब मोहम्मद नफीस ज़करिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप क्या समझते हैं, जो अब नौजवान हैं, पोटेंशियल होता है उनमें, काम करने का जज्बा भी होता है, लेकिन क्या चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं उनमें कि जो वो उनका पोटेंशियल है उसके साथ जस्टिफाई कर पाएँ? देखिए, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सही। ये बच्चे जिनका जहन नापुख्ता है और होता है, ये जब मुल्क के हालात को देखते हैं ना कि मुल्क किस डगर पे चल रहा है, तो मुल्क तो खुद कोई ऐसी एंटिटी नहीं कि खुद ही चले, इसको चलाया जाता है। तो इसको जो चलाने वाले हैं, जो उनसे पहले की जनरेशन्स, तो उन्होंने वो जनरेशन के बारे में सुना भी और पढ़ा भी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जो है, चाहे वो किसी मज़हब से, किसी शोबे से ताल्लुक़ हो, सब ने मिलकर जो है, मुसलमान थे, ईसाई थे, हिंदू थे, जिनको पाकिस्तान में रहना था, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए एफर्ट की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बहुत कुर्बानियाँ दी। तो ये जो हमारी नस्ल है, नौजवान नस्ल, उनको इसके बारे में पता है। और सीएसएस के लिए जब वो तैयारी करते हैं तो इसको तो और ज़्यादा पढ़ते हैं। सही। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर उनको लाजमी इन चीज़ों के बारे में जो है वो जानना होता है, ताकि वो एग्ज़ाम भी क्लियर सके। लेकिन उस दौरान में उनको ऑटोमेटिकली जो है, एक जब इस बारे में पता लग जाता है कि हमारे मुल्क के लोगों ने, जो हमारी वो जनरेशन थी जिनके क़यादत जो है, कायद अजम जैसे अजीम रहनुमा ने की, फिर लियाकत अली ख़ान, नवाब नौसिन मुल्क, मेरे ख्याल में आपके आगा खान थ्री जो है, गर्ज़े के एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिन्होंने लीडर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट चलाई, अल्लामा इकबाल थे, जॉर्ज रहमत अली, ये सब इसम लोगों ने मिल के जो है एक राह का तयन किया था। तो बच्चों के अंदर ना पढ़ने का बड़ी एक जज्बा, इंस्पिरेशन आती है। फिर उन्होंने ज़ाहिर पाकिस्तान के में जैसे कहते ना कि उतार चढ़ाव भी आया हर तरह का, चाहे वो माशी था, चाहे वो सियासी था, चाहे वो माशरती था, वो उतार चढ़ाव भी इन बच्चों ने जो है अगर देखा नहीं तो सुना, तो उसके बारे में सुना ज़रूर है। अब वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, जिसमें कुर्बानियों का जिक्र सब कुछ, वो बड़ी मुस्तनद किताबों के अंदर है। और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उन्होंने ये जो चीज़ें देखी हैं, तो बड़ी एक जो परफॉर्मेंस थी उनकी अगली जनरेशन की, उस परफॉर्मेंस को इन्होंने अपने तौर पर उस जाविये से जज किया जिसकी जो जैसे कहते ना कि रिकॉर्ड जो है वैसे अवेलेबल था, एक्सेसिबल था। और अब तो विकीपीडिया और पता नहीं कौन कौन से जो चीज़ें आ गई है, तो उसमें उस तरीके से प्रोजेक्शन भी नहीं होती। तो वो मैं कह समझता हूँ कि कुछ लोग जो है उसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं और वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है जी, इसको हमने संवारना भी है, बढ़ाना भी है और इसको बनाना भी है, और ये इसको हमने हर सूरत कायम रखना है, हर सूरत जो है इसको मुस्तहकम करना है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते मायूस हो जाते हैं कि जी अच्छा, ये जो है इतने उतार चढ़ाव आए हैं, क्या ये मतलब सिक्योरिटी है, नहीं है। अब ये उतार चढ़ाव अगर आप देखें तो कौन सी दुनिया में ऐसी कौम है जिनकी जिसके में नहीं आई, और कौमें वही ऊपर उठी हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जो है साबित कदम रहे, और वो मुल्क जिस मुल्क से उनकी पहचान थी उसको अपना मुल्क समझा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जनरेशन है ना, इनको एक तो ये कि गाइडेंस की ज़रूरत है। ज़रूरत है, सही। बहुत टैलेंटेड है हमारे, माशाल्लाह से मैं ये देखता हूँ ना, हम सीएसएस के एग्ज़ाम अब तो हम कंडक्ट भी करते हैं, लोगों की रिक्रूटमेंट भी करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके ख्यालात जानते हैं उनका, तो बड़े अच्छे ख्यालात के लोग होते हैं। और अभी जैसे जैसे जनरेशन नई आ रही है ना, उनके अंदर मज़ीद समझबूझ आ रही है,
चीज़ों के अंदर बेहतरी भी बहुत अच्छी आ रही है, जज्बा भी है लोगों के अंदर काम करने का। मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी लीडरशिप क़यादत मिले तो ये इस मुल्क को, जो कि इस वक्त दुनिया में PPP के हवाले से अगर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से तो 24वें नंबर पर है ये मुल्क, इसकी इकॉनमी। ये इस मुल्क को हम बहुत आराम से जो है दुनिया के जो 10 बड़े ममालिक हैं, इक्तसादी क़ुव्वतें जो है उसके अंदर ला सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है, बेतहाशा पोटेंशियल है, बड़ी वसत है इस कंट्री के अंदर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अल्लाह ताला के कुदरती जो वसाइल हैं वो भी बहुत हमारे पास मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन हमारी है, ये बड़ी इंथुजियास्टिक है, और अब इनको एक चीज़ और भी समझ में आ गई है कि दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे कि जिसमें से एक 9/11 का जिक्र मैं करना चाहूँगा, कि उन्होंने जो है बड़ी नेचर दुनिया को बड़ा चेंज कर दिया है। तो अब इन लोगों को भी एक चीज़ नज़र आती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारे इस मुल्क के अंदर है, और हमने इस मुस्तकबिल को अगर रोशन बनाना है तो हमें इस मुल्क को मुस्तहकम करना होगा, और वो मुस्तहकम और ये रोशन मुस्तकबिल जो है वो सब किस चीज़ से होगा, ये मेहनत से होगा, सही काम से होगा, ईमानदारी, दयानदारी और जज्बा और मोहब्बत जो है मुल्क के साथ उसके साथ होगा। और फिर डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है खालिक कायनात जो है वो उसकी खुशी जो है उसमें शामिल हो जाती है। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त आप हमारी गुफ्तगू जारी है, और मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो हमारी गुफ्तगू है आज जिनके सबब से हो रही है उनका जिक्र करना ज़रूर है। डॉक्टर जेम शेरा साहब, जिनकी वजह से मैं आज नफीस ज़किया साहब से मुलाकात हुई, आप उनके साथ, क्योंकि जब मुझे याद है मैं ये बताना चाहूँगा, आर्टिकल मैंने पहले लिखा था तो उसमें मुझे नहीं पता था मैं आपका जिक्र करना उनके हवाले से भूल गया था, और बाद में मुझे पता चला कि आपकी उनके साथ ताल्लुक और दोस्ती के हवाले से, तो क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई और रब्ता उनसे फ़ोन पर है, तो उनकी शख्सियत और किस तरह से वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बैरून मुल्क, और उनकी जो इज़्ज़त है और उनकी खिदमात की वजह से पाकिस्तान का जो परचम है और पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त से लिया जाता है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप वहाँ पर एज एम्बेसडर काम कर चुके हैं और उनकी इस सारी कंट्रीब्यूशन से वाकिफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल में बहुत ही अच्छा आपने जो है ये जिक्र छेड़ा है। जेम शेरा साहब जो है उनके साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो अब खासा पुराना है। मैं डायरेक्टर जनरल यूरोप था जिस ज़माने में 2008 में, तो उस वक्त पहली मुलाकात हुई थी उनकी मेरी, और वो चूँकि UK से आए थे, बड़ी रिनाउंड शख्सियत, एक अकम्पलिश्ड पर्सन, सही, मेरे ख्याल में उनके कंधों पे और उनके कैप में इतने फैदर्स और इतनी डेकोरेशंस हैं कि उसको ज़रा गिनना मुश्किल है बिल्कुल। लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि वो पाकिस्तान की पहचान है और पाकिस्तान उनके पहचान। मेरे ख्याल में आपने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उनकी डेफिनेशन, मैं कहूँगा कि अगर किसी एक वर्ड में उनको समराइज करना है तो वो जेम शेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान जेम। बिल्कुल, और उनको बावजूद के कि वो वहाँ पर इतने सालों से हैं, बावजूद के कि उस कंट्री ने उनको बहुत दी और उन्होंने उस कंट्री के लिए भी बहुत काम किया। बेतहाशा काम किया है, वहाँ की सोसाइटी के अंदर एक कम्यूनिटीज़ इंटर कम्यूनल हारमोनी के अंदर उनका बड़ा रोल रहा है, फिर सोशल डेवलपमेंट है या मुख्तलिफ समाजी सेक्टर्स हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा अहम किरदार अदा किया, और उनके नज़दीक उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बड़ा अपने दिल के करीब रखा। और फिर कोई सी भी दुनिया की कम्युनिटी, आपको पता है UK में दुनिया जहान के कम्युनिटीज़ हैं, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, उन्होंने इस चीज़ की तफरीक नहीं की, उन्होंने जो है वो जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत हुई, जहाँ किसी को गाइडेंस की ज़रूरत, उन्होंने वो प्रोवाइड की। ये पहले एशियन थे जो कि मेयर बने, और उसके बाद उनकी रिकग्निशन जो है बढ़ती गई, आपको पता है उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी जो है एक रिकग्निशन दी थी 90s में, और उनको कायदे आज़म सितारे पाकिस्तान का जो है वो मिला था, वो अभी दोबारा इनको मिला है। और
इसी तरीके से बरतानिया की गवर्नमेंट ने भी बहुत रिकग्निशन दी उनको, MBE जो है वो मिला, जो कि क्वीन का अवार्ड है। इसी तरीके से उनके नाम पे एक सड़क भी जो है उनके नाम की गई है, और ना सिर्फ ये बल्कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उनका बड़ा नाम है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उनको रिकग्नाइज करते हुए ऑनरी डिग्रीज भी दी हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी। और फिर वहाँ पर उन्होंने मस्जिद भी बनाई है, वहाँ उन्होंने चर्च भी जो है वो कहना चाहिए बिल्ड किया सही तरीके से, बड़े अच्छे काम किए हैं, तो हमें बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर। फिर कम्युनिटी में अगर किसी किस्म का कोई तनाव आता था या कोई किसी किस्म के कोई तफरीक होती थी, या कोई जिसे कहते हैं कि बाज़ लोग करते हैं इस तरह जानबूझ के कम्युनिटी के दरमियान में नाचाकी डालने की कोशिश करते हैं, तो जेम्स शेर साहब ने मेरी इस मामले में बड़ी हेल्प की उन मामलात को रिजॉल्व करने में और कम्युनिटी को यूनाइट करने में, उनको एक डायरेक्शन देने में, उनको साथ लेके चलने में। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनका दोस्त हूँ, और मैं उनके साथ बहुत करीब पहले भी था और अब और ज़्यादा करीब हूँ, बावजूद कि हम एक दूसरे से काफ़ी फासला तो बहुत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जिसमें हमारी 2 से 3 दफ़ा बात ना होती हो। और आज भी बात करने के लिए नहीं था कि आप कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, आज भी जब फ़ोन होता ना सही, तो जो महवर होता है, जो फोकस होता है, वो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान का बेनिफिट, पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान के जैसे कहना चाहिए कि वेलफेयर, इसी हवाले से बात होती है। फिक्र जो है वो पाकिस्तान पे मरकूज़ है, और उसमें उन्होंने हमेशा यूके को जो है, बरतानिया को भी जो है वो सामने रखा, और हमेशा जब पाकिस्तान की कोई भी चीज़ बढ़ावे के हवाले से बात की, प्रमोशन के बाद, तो उसमें यूके का एलिमेंट जो है हमेशा रखा है। ऐसा सिंसेर आदमी जो ना, ऐसा फोकस्ड आदमी, इतना ज़हीन आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने उनके गुफ्तगू भी सुनी है, मैंने उनके ख्यालात को भी अच्छी तरह जाना है, और उनके जो अतराफ़ में दोस्त हैं, दे आर नॉट ऑर्डनरी पीपल। ठीक है, मुझे तो आप हटा दें बीच में से, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन ऑर्डनरी पर्सन, लेकिन उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के साथ, उनके जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ दोस्तियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उनकी जितनी अप्रोच, वो चाहे पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे आपके फिलेंथ्रोपिस्ट हों या सिविल स्टडी मेम्बर, तो बहुत माशाल्लाह से उनकी अप्रोच है। थैंक यू सो मच सर, हमारी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, और मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप पाकिस्तान, क्योंकि आप दुनिया को देखते हैं और पाकिस्तान को देखते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान का फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं, नौजवानों के हवाले से बात करते हैं? माशी हालात भी इस वक्त हमारे सामने हैं, सियासी हालात भी हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो बहुत जल्द, जैसे आपने कहा, कि मुश्किलात का, मायूसी का शिकार हो जाती है। आप क्या समझते हैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से, अपने सारे इस करियर के सफ़र से, कि पाकिस्तान के नौजवानों को अगर हम राइट डायरेक्शन दें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा हो? ये मोहब्बत ही का जज्बा है, जज्बा कि जिसकी वजह से उनको परेशानी लाहक हो जाती है, और ये परेशानी लाहक होती है कि जी सियासी उतार चढ़ाव आया, इक्तसादी मुश्किलात आई किसी किस्म की, किसी किस्म का और कोई अपहेवल हो गया। लेकिन आप ये देखें कि जी हम बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। हमारे मुल्क में जो आप सिचुएशन देख रहे हैं ना, हो सकता है कुछ तो हमारी अपनी करदा हो, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि हमारा मुल्क जो है ना, जोग्राफिया लिहाज से एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर मौजूद है, और ये वो स्ट्रेटजिक लोकेशन है जिससे कई दुनिया के जो है रीजन्स हैं उसके रास्ते खुलते हैं और यहाँ के मर्ज होते हैं। ये सेंटर पॉइंट एक कन्फ्लुएंस है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस है कई रीजन्स का। तो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें होती हैं जिनकी आपस में बड़ी कंपटीशन चल रहा होता है, तो उनके लिए भी जो है वो अपने, जब देखते हैं कि उनके
इस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या राइवलरीज हैं या जो भी है कंपटीशन है, उसके अंदर कौन से ममालिक हैं जो कि किरदार अदा कर सकते हैं, तो उसमें बारह बात आके पाकिस्तान बैठा जाती है। आपको भी पता है कि वो कौन सी बड़ी कुव्वत है। मैं बात कर रहा हूँ USA की, और मैं बात कर रहा हूँ पहले सोवियत यूनियन था और अब रशिया है, और अब चाइना जो है एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आया है। तो और ये इनकी जो ग्रेट पावर्स की टसल है, पहले तो ग्रेट ब्रिटेन भी इसी के अंदर था और यूरोप के और दूसरे ममालिक के एम्पायर्स भी थी, ये इसकी जो शुरुआत है वो आज की नहीं है। नहीं सही, ये सदियों पुरानी है और ये सदियों से खेल चला रहा है और ये सदियों तक शायद चलता रहेगा। और उसमें कई ममालिक जो है वो मरकज़ी किरदार अदा करते रहेंगे, कई ममालिक जो है वो सफ़र करते रहेंगे। हम वो हैं जिन्होंने मरकज़ी किरदार भी अदा किया या सफर उसको बना दिया गया, मरकज़ में ले आए, और फिर साथ ही हम सफ़र भी किया। सोवियत यूनियन का जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने आए थे, तो उसकी वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान ने को चूज़ किया गया अगेन सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान ने इन ऑल सिंसेरिटी जो है कि एक इस्लामी मुल्क है, बड़ा मुल्क है, तो हमने बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ के आने थी, वहाँ से जो है हमारे मुल्क में चेंजेस आना शुरू हुई हैं, बहुत चेंजेस आई, मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं वो हमारे, वो कल्चर्स डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो कल्चर्स का जो एक डाउन साइड होता ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, वो आए। फिर उसके बाद जो है अभी हम शायद संभले भी नहीं थे या संभल रहे थे, और फिर हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी खासा खटकता है लोगों के नज़रों में, तो ये भी एक है इशू। और उसके अलावा फिर ज़ाहिर इस्लामी ममालिक के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा मुकाम है, एक बहुत बड़ी हम ममलकत है हमारी, जिसकी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान है। फिर उसके अलावा जो है एक 9/11 का वाक़या हुआ, अब उस 9/11 के अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं था, ना कोई ताल्लुक, ना कोई रिश्ता, ना कोई पार्टिसिपेशन, लेकिन जनाब वो 9/11 का पूरा जो इम्प्लिकेशंस थी, उसका जो फॉलआउट था वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ, इसलिए कि वो लोग जो अफ़गानी नहीं थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में बैठ के शायद को प्लानिंग की होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि सारा कुछ क्या हुआ, इसके अंदर आज तक क्लैरिटी नहीं आई है लोगों को, बेतहाशा लोगों ने इसके अंदर लिखा भी है, और उसको कंस्पिरेसी, ज़्यादातर लोग इसको कंस्पिरेसी का नाम देते हैं, वो एक अलग बात है कि मासूम लोगों की जाने गई उसके अंदर, उस वाक़े के अंदर 9/11 में, और हमें उसका भी अफसोस है और दुनिया के हर आदमी को अफसोस होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो उसके असरात हुए, उसने वहाँ तो 3000 या 3100 लोग जो है उनके साथ ये विक्टिम हो गए थे, लेकिन उसके नतीजे में आपने भी देखा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट ऑफ मैटर्स, मैटर ऑफ फैक्ट के लाखों मिलियन, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो पैरिश हो गए, पावर्टी का शिकार हो गए, दर बदर हो गए, और एक मुल्क जो कि किसी ज़माने में एक मुल्क जो है फ्लरिश भी कर रहा था, एग्जिस्ट करता था, उसकी अपनी एक पहचान थी, वो बेचारा कब से स्ट्रगल कर रहा है, उसके लोग बेचारे कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में धक्के खाते कर रहे हैं, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ। फिर और भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का बराह रास्त जो असरात हुए पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हुए, पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक था सेटअप था उसके ऊपर हुआ, तो लोगों की सोच जो है ज़ाहिर सी बात है नापुख्ता जहन जो होते हैं, और इवन पुख्ता जहन भी अगर हों, तो वो उसी अंदाज से सोचने लगते हैं, उसी अंदाज में उसी डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं जिस पर जो है हालात ने हमें डाल दिया होता है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है जिसकी टोटल तादाद जो है 64% के करीब है, आई थिंक 124 या 126 मिलियन लोग जो है ये सारे के सारे यंग एज में हैं, और पढ़ाई का रुझान भी बढ़ रहा है,
टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रॉमिस है। और मैं बिल्कुल भी, मैं नहीं कहूँगा कि मायूस हूँ, मैं बिल्कुल भी मायूस हूँ, मैंने हमेशा जो है मेरा ऑप्टिमिस्टिक जो है ख्याल रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम उस मुकाम पर ले जाएंगे और ये नौजवान नस्ल उस मुकाम पर ले जाएगी अपनी मेहनत से, अपने जुस्तजू से, अपनी मोहब्बत से, दयानतदारी से, जिस मुकाम का पाकिस्तान जो है वो अहल है। और वो मुकाम इक्तसादी तौर पर, सोशल इकोनॉमिक तौर पर, और एज ए पावर टू रेकन विद, मैं समझता हूँ कि हम दुनिया के 10 बड़े ममालिक के अंदर बहुत आराम से शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारी डायरेक्शन जो है वो सिमत सही रहे, हमारी नस्ल जो है, नौजवान नस्ल जो है वो भी, और आने वाली नस्लें भी जो है इसकी बुनियादों को मजबूत करें अपने काम से। क्योंकि याद रखें, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पहचान आपकी जो है पाकिस्तान। आपके पास 85 ममालिक के पासपोर्ट हो, आपकी पहचान जो है वो पाकिस्तान है। और ये बात मेरे ख्याल में लोगों को अब समझ में आ गई है और आ रही है, और यही चीज़ जो है मुझे इत्मीनान दिलाती है कि इंशाल्लाह ये वी आर बाउंड टू राइज एंड वी विल राइज, और पाकिस्तान को ज़रूर मुकाम मिलेगा जो पाकिस्तान जिसका अहल है। और हम तमाम कुदरत के वसाइल जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको बरोकार लाते हुए इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को, और हमसे मुंसलिक जो हमारे दोस्त अहबाब हैं या वो मालिक जिनको ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी जो है ये एक ज़रिया बनेंगे ऊपर आने का। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जिस तरह से नफीस ज़करिया साहब ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़ियात और बातों से ये बताया कि अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो मुश्किल हालात जो है वो कभी भी उसे तोड़ नहीं सकते, बल्कि ये हालात इस बात की इलामत होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में, मुमल्कतों की ज़िंदगी में ये अप्स एंड डाउन आते हैं। हमेशा वही कौमें, वही लोग, वही ख़ानदान तरक्की करते हैं जो मुश्किल हालात का सामना करते हैं। आज हमारे गेस्ट की ज़िंदगी से आपने ये सीखा, और ये हम सब के लिए लेसन है, ख़ास तौर पर हम जहाँ जहाँ पे भी हैं, कि पाकिस्तान हमारी पहचान है। बेशक हमारा मज़हब, हमारा रंग, हमारी ज़ात, हमारी ज़ुबान, हमारी पहचान कुछ और है, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। और पाकिस्तान की तरक्की और फलाह के लिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा और अपने अपने हिस्से का काम जो है वो करना है, ताकि हम इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए ये कह सकें कि पाकिस्तान को डेवलप करने में, पाकिस्तान को मजबूत बनाने में हमारा अपना किरदार है। आज के इस प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।